हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं घर जैसा पालक चिकन की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए गाइस बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है 500 ग्राम के करीब और पालक भाजी ले लिया है यहाँ पर, जिसे हमने अच्छे से वाश कर लिया है। और ओनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह यहाँ पे जिंजर गार्लिक कटिंग करके रख लिए हैं पहले से ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो किसी को पसंद नहीं है, इसलिए हम पूरा सब सेटअप करके रख लिए हैं। तो चलिए कढ़ाई पे तेल डालते हैं। और हमारा पालक चिकन यहाँ पर क्वांटिटी कम है, तो इसके हिसाब से हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और ये देखिए, हमारा ऑयल यहाँ पर डाल चुका है। तकरीबन 500 ग्राम चिकन है, तो यहाँ पे 100 ग्राम के आसपास यहाँ पे हमने ऑयल डाल लिया है। पहले हम इसमें जीरा डालेंगे थोड़ा सा तड़का के रूप में, उसके बाद हम इसमें खड़े मसाला डालेंगे। ये डाला हमने खड़ा मसाला, साबुत खड़ा मसाला डाल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि पालक चिकन की रेसिपी है, तो खड़े मसाला के बिना तो चिकन का टेस्ट अधूरा रहता है। वही हमारा हो गया है। ये देखिए हमारा खड़ा मसाला, अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे। क्रश गार्लिक डाल रहे हैं हम यहाँ पर, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अपना अपना काम है, हम इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाल रहे हैं। अपना जिंजर और गार्लिक को हम यहाँ पर ग्रेट करके क्रश करके रख लिया है। हमारा खड़ा मसाला और जिंजर गार्लिक ब्राउन हो चुका है। अभी हम ऑनियन कटिंग करके रखें, फिर उसको डालेंगे। और भी ईजी रेसिपी है, इसको हम जैसा गोल्डन ब्राउन हो जाता है देखते हैं। और हमारा ऑनियन भी यहाँ पर ब्राउन हो चुका है गाइस, तो अभी हम इसमें डालेंगे अपना कटिंग चिकन। देखिए चिकन कभी भी ले तो फ्रेश भी है, क्योंकि पहले से कटिंग करके रखे रहते चिकन उसको ना टेस्ट भी अच्छे से परफेक्ट नहीं आता। तो अभी ये हमारा चिकन पक रहा है, फिर ये फ्राई हो रहा है, तो ये चिकन का सॉल्ट ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा सॉल्ट है वो चिकन के अंदर तक अच्छे से चले जाए। और हल्का सा इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, ताकि जो अपनी चिकन फ्राई हो उसके साथ साथ पूरा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और कलर भी बहुत लगे यहाँ पर आ जाए। चिकन पक चुका है, अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये डालेंगे फेरे चिली पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, पावर से धनिया पाउडर और एक थोड़ा सा चिकन एवरेस्ट मसाला, और मसे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है, पक चुका है मेरे पेशन। अभी हम फाइनली डालेंगे पालक का पेस्ट, जो हमने बना कर रखा था पेस्ट कर लिया है। पालक भाजी का सूप, ये हमने डाले थे पालक, बहुत ही मेरी टेस्टी है फ्रेंड्स, अपने घर में बनाएंगे। और घर का जो है रेसिपी होटल में भी इससे ज़्यादा टेस्टी पालक चिकन नहीं बनता है। यहाँ पे लजीज कलर यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन देखने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए गाइस, हमारा पालक चिकन पूरी तरीके से पक चुका है, यहाँ पर लजीज कलर आ चुका है। अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और यदि आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रेवी भी रख सकते हो, लेकिन हमने इसको 5 से 10 मिनट चिकन को फ्राई किया, उसके बाद पालक डाल के इसको 10 मिनट फ्राई किया, तो ये हमारा चिकन मसाला पालक चिकन बहुत ही लजीज यहाँ पर बन चुका है। हमने इसको ग्रेवी नहीं बनाया, देखिए यहाँ पर कैसे कलर आ चुका है, बहुत ही लजीज। तो चलिए गाइस टेस्ट करते हैं बिना लेट किए। बिना लेट किए वक्त आ गया है, हम अभी अपना पालक चिकन का रेसिपी को टेस्ट करें और आपको फीडबैक बताएं। तो बिना लेट किए ये देखिए हमारा पालक चिकन का बहुत ही लजीज मसालेदार यहाँ पर बन कर तैयार हो चुका है। और बिना लेट किए हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं खा पाऊँगा मैं, इतने ही खा पाऊँगा, तो इतने ही निकाला हूँ। लेकिन आप देखिए इसका तरीका कैसे एकदम, देखिए ये देखिए बहुत ही लजीज। तो
फाइनली गाइस हमारा पालक चिकन यहाँ पर तैयार है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, तो चलिए गाइस इसको हम टेस्ट करते हैं बिना वेट किए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसको बनाने में, 5 मिनट लगे उसमें से। सुपर, बहुत लजीज यहाँ पर पालक चिकन बना हुआ है गाइस। घर स्टाइल है, घर का रेसिपी है। आप भी अपने घर पे जरूर बनाएं, और हमारा रेसिपी कैसा लगा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ कमी है तो बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारेंगे गाइस। और चलिए मिलते हैं।